अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। साथ में लो साथ। अरे तुम इधर आ जाओ। क्या हो गया था जो थाने पे आप आए? हमारा लड़का घूम गया था। कब घूम गया था? 3 दिन पहले। अच्छा, फिर हाँ। सर ने मैडम ने बहुत मेहनत करी है तो आज हमारा बच्चा हमारे को मिल गया। अच्छा जी सर। कहाँ से घुमा था आपका बच्चा? हाँ, विकास नगर से। जी विकास नगर से। विकास कहाँ रहते हो आप? ढांचा वन में। अच्छा, कैसे घूम गया था बच्चा वहाँ से, क्या हुआ था? हम तो ड्यूटी गए थे सर, हमें नहीं पता था सर, हम तो ड्यूटी से आए थे। हाँ? तो है ना, हमने पूछा था तो क्या पता बच्चे ले गए थे कोई सर। अच्छा, फिर आपने क्या करा था? हमने थाने में रिपोर्ट करी थी। हाँ, फिर थाने से हिसाब सीएस के साथ सब आए थे। हाँ, सब गए थे, सब ने ढूंढा। अच्छा, सब ने सर उन्होंने बड़ो सर उन्होंने सब ने पूरी कोशिश लगा दी कि हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। अच्छा, आज आपका बच्चा मिल गया, क्या बोलना चाहेंगे आप देवास पुलिस को, सभी अधिकारी लगे हुए थे लगातार, सबके धन्यवाद सबका, आपका पुलिस, हाँ, कि आपको इन्होंने सबने हमारे बच्चे की बहुत मेहनत करी है और बहुत तो हमारा बच्चा हमारे को मिला दिया। क्या नाम है आपका? सफी कर। सर बताइए, एक मामले का खुलासा किया अभी देवास पुलिस ने, कौन से थाना क्षेत्र की घटना थी और क्या पूरा मामला है? पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास में दिनांक 8/1/2024 को फरियादे के द्वारा शिकायत इतला दी गई कि उसका 5 वर्षीय बालक अगवा कर लिया गया है। यह कि वो अपने बड़े भाई के साथ में खेल रहा था और बड़ा भाई भी उसमें चतनी साक्षी था। मामला संगीन होने से तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक ऋषेश अग्रवाल, टीआई कोतवाली दीपक यादव, इंचार्ज आईए थाना विजय सोनी और उनके साथ जितने भी हमारे सक्रिय आरक्षक हैं उन सबको लगाया गया। करीब 10 टीमें बनाई गई, लगातार इनने 72 घंटे में अथक प्रयास किया, भौतिक साक्ष्य जुटाए, कई तरह की टेक्निकल एविडेंस भी इकट्ठा की और इसको दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। कहाँ से मिला सर बच्चा है? एक ग्राम रूपाखेड़ी थाना सिविल लाइन क्षेत्र से बरामद किया गया है। आरोपी दरियाब और उसकी पत्नी देवी बाई को भी इसमें गिरफ्तार किया है। यहाँ की मामले की प्रकरण की विवेचना लगातार जारी है। क्या सर उद्देश्य सामने आया इन पति पत्नी का? अभी इसमें उद्देश्य पूछताछ की जा रही है। इनिशियली इसमें फैला फुसला कर लेके गए और मामला इन्वेस्टिगेशन में है, कार्रवाई जारी है। किन धाराओं में प्रकरण हुआ दर्ज? धारा 363 में प्रकरण पंजीबद्ध तत्काल कायम किया गया था, बाद इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर बच्चा क्या स्वस्थ है, कैसी उसकी हालत है? स्वस्थ है, बाकी एहतियातन तौर पर मेडिकल आदि कराया जा रहा है। अच्छा सर, ये आप अगर पूछताछ करते हैं तो और भी क्या ऐसा खुलासा हो सकता है कि ये किसी गैंग से जुड़े हैं या इनके पीछे कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला भी सामने आ सकता है? सभी पहलुओं पर पूछताछ होगी। पूर्व की स्थायी गमशुदगियाँ होती हैं या 363 का प्रकरण होते हैं उसमें भी पूछताछ होती है। किसी भी प्रकार का कोई लिंकेजेस मिलते हैं तो उस पर काम किया जाए। सर एक अंतिम प्रश्न, जिस तरह से आपके पीछे पूरी टीम दिखाई दे रही है, अलग अलग थानों का बल इसमें लगा था पुलिस की ओर, अब क्या रिवार्ड जो है इनको पुलिस देगी, क्योंकि आरक्षक से लेके अधिकारी तक इसमें लगे हैं? पुलिस अधीक्षक महोदय ने भूरी भूरी प्रशंसा की है तथा इनको आगामी गणतंत्र दिवस पर भी पारितोषिक दिया जाएगा और जैसा कि विभाग से अन्य तरह के इनाम भी दिए जाते हैं इनके मनोबल को ऊंचा रखने के लिए, तो साइटेशंस भी इनके भेजे जाएंगे। थैंक यू।